नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू इज लिटरली यूज्ड फॉर एवरीथिंग, हैंडीक्राफ्ट से लेकर मछली पकड़ने तक। इनफैक्ट असम के ट्रेडिशनल हाउसेस पूरी तरह से बैम्बू से बनते हैं और साथ ही बैम्बू यूज किया जाता है एज कुकिंग फ्यूल। आज की जो हमारी डिश है उसके अंदर फिश का इस्तेमाल होगा, हाँ। रोजेल लीव्स का इस्तेमाल, हाँ। होगा। ये जो मछली है कौन सी मछली है? नागरई बोलते हैं। ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल, हाँ सरसों का मस्टर्ड ऑयल मछली के अंदर, हाँ थोड़ा हल्दी भी, थोड़ा नमक मिक्स करते हैं। तेल गरम हो गया शायद हम लोगों का, अभी हम लोग इसको मछली को डालते हैं। फिश फ्राई हो चुकी है और नेक्स्ट हम लोग इसमें ऑनियन डालेंगे। अभी हम लोग ये लीफ डाल रहे हैं। और रोजेल के जो लीव्स है वो बिल्कुल श्रिवल हो रहे हैं, हाँ। और उनका रंग भी चेंज हो रहा है भूरे रंग के, हाँ, हाँ। They become like gooey and pasty। ऑलमोस्ट थोड़ा हो गया। अभी हम लोग थोड़ा हल्दी देते हैं इसमें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा चिली भी काट देते हैं हम। चिली इतनी छोटी सी, चाकू आपका तलवार है, हाँ जी। ये कौन सी चिली है? ये हम लोग खुद जला बोलते हैं हम लोग। ये भी स्पाइसी है, हाँ। अभी हो गया, हम लोग इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। अभी इसमें अच्छा एक बॉईल आ गया है, हाँ। अभी हम लोग अभी इसमें मछली डालते हैं। आई थिंक ये जो सिंपलिसिटी इसकी है वो बोरो कम्युनिटी में भी दिखती है, हाँ। जो लोगों का रहन सहन है, तौर तरीके हैं, हाव भाव है, हाँ। और उनके खाने में लोकल प्रोड्यूस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तभी ये जो थाली है बोरो थाली, जिसके ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी सामग्री है वो सीजनल है और एकदम पौष्टिक है। थैंक यू सो वेरी मच। आई शुड डेफिनेटली कम बैक एंड लर्न मोर ऑफ दिस फूड फ्रॉम यू। हमारी दूसरी थाली की होस्ट हैं निवेदिता। ये एक असमीज फिल्म एक्ट्रेस हैं और मिसिंग ट्राइब को बिलोंग करती हैं। शी इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द फेमस मिसिंग किचन रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी। और इन्होंने हमारा वेलकम कुछ इस तरह से किया। निवेदिता हमें सिखाएंगी रानाम जोसाक, जो कि आसाम की मिसिंग ट्राइब की एक टिपिकल पोर्क प्रेपरेशन है। ऐसे मिसिंग में हम लोग उसको रानाम जोसाक बोलते हैं। Okay. इसका मतलब है पोर्क विथ एलिफेंट एप्पल, और एलिफेंट एप्पल को ओटेंगा भी बोलते हैं। दिस फ्रूट इज वेरी वेरी फाइब्रस और बहुत ज्यादा खट्टा होता है। ये आसाम में आप आते हैं तो आपको रियलाइज होता है दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज और उनका खाना, तौर तरीके, मसाले काफी डिफरेंट एक दूसरे से। सो जो मिसिंग ट्राइब है या कम्युनिटी है उसका जो खाना है उसकी खासियत क्या है? एक्चुअली सर हम लोग ज़्यादा स्पाइसी मतलब मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते खाने में, लेकिन भूत जो लोग किया वो तो स्पाइसी के अंदर ही आएगा, वो यूज़ करते हैं थोड़ा सा। I like the way people over here, they love their produce। आप कितनी आसानी से मासूमियत से कह रही है कि हमारे खाने में स्पाइसेस नहीं होते और दुनिया की वन ऑफ दी स्पाइसेस चिली का आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मतलब वो नॉर्मल है आपके लिए? हाँ नॉर्मल है। मैंने कई बार खाया भूत जलक किया और मेरा भूत निकल गया खाने के बाद। ये स्लाइस कर दिया मैंने। हाँ। सो आज हम लकड़ी के ऊपर खाना बनाएंगे। हाँ। लकड़ी से खाना बनाने से एक उसका खुद अलग सा एक स्वाद होता है। Yes. इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम लोग बॉईल करके बनाने वाले हैं, इसमें कोई तेल ये सब यूज नहीं करेंगे। पानी उबालने के बाद हम लोग ये जो कच्चा पोर्क यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। हम लोग का जो मिसिंग लोग है तो किसी का अगर मतलब ग्रह खराब होने से, जैसे कि किसी का 7 ग्रह खराब होता है तो किसी का 9 ग्रह, तो उसको हम लोग 7 जनिया 9 जनिया करके एक ऐसा पूजा रखते हैं। जैसे कि पोर्क हो या काला मछली या काला चिकन, उसी सामग्री से आप ये डिश बना के उस तैयार होके उसको खिलाते हैं तो वो थाल में जाता है। हाँ वो थाल में जाता है। और ये थाली उस इंसान को परोसी जाती, हाँ, है जिसका बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, हाँ, और इससे क्या होता है? इससे उसका बुरा वक्त तर जाता है, ऐसा हम लोग का मानना है। अरे वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो और कब कब थाली बनती है सर? जैसे कि शादी में जो लड़का लड़की उन दोनों को एक ही थाली में खाना परोसा जाता है और वो दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं। उस थाल को हम लोग जोसाक बोलते हैं। जोसाक, हाँ। Which maybe signifies के from now on whatever that we have मिल बांट के खाएंगे as one। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक, सर अभी लग रहा है कि इसका 80% ये पोर्क पक गया है, तो अभी हम इसमें ओटेंगा ये इसको हम दे सकते हैं अभी। ओके, इसको हम लास्ट में इसलिए देते हैं क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है, और अगर ये पहले देंगे तो पोर्क थोड़ा टाइम टफ हो जाएगा पकने में। सर अभी हम लोग इसमें हरी मिर्ची यहाँ पर यूज़ करूँगी क्योंकि जो घोस्ट चिली है मैं अभी यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा टेस्ट करेंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाप रे, ये कौन सी मिर्ची है? ये हरी मिर्ची है सर। ये हरी मिर्ची कैसे है? ये तो मैं कच्ची खाता हूँ, ये मैं छू भी नहीं सकता। हाँ, ये बहुत तीखा है सर। ये छोटी सी इतनी हरी मिर्च है, नाइस एंड ब्राइट, बट दिस इज लाइक एन एटम बॉम्ब। सो चिली विल गिव द स्पाइसीनेस, जो ओटेंगा है उससे सारनेस आएगी। व्हाट नेक्स्ट? जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग देंगे यहाँ पर। ब्यूटीफुल, नाइस सूप। इसमें सर हम लोग थोड़ा हल्दी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। हाँ सर, अभी तो ये पक गया है ऑलमोस्ट, तो हम लास्ट में अभी ये जो लाइहा, इसको लाइहा बोलते हैं। लाइहा, हाँ लाइहा, इसको हम लोग दे सकते हैं। ये क्या क्या चीज़ होती है लाइहा? ये सर मेडिसिनल हर्ब्स है, इसका खुद का ये एक फ्लेवर है। हाँ, लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो इसको हम लोग नोड़ा किंग बोलते हैं, ये थोड़ा सा डाल देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस डिश के अंदर हमने बिल्कुल भी कोई ऑयल या घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट पोक का जो अपना नेचुरल फैट है उसी का जो स्पेक्स ऑफ ग्रीस ऑन टॉप है वहीं से आया है। आई थिंक दिस हैज बीन सो गुड, आई एम डाइंग टू ईट दिस डिश नाउ।